नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभी अभी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने त्याग पत्र दे दिया है, तो आइए फिर सीधी बातचीत रामेश्वर महतो जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। ये बताइए महतो जी, कि अचानक से ब्रेकिंग खबर मिलती है हमें कि आपने इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हो गया? अब मुझे लगता है कि जदयू में जिन लोगों का अभी बात चलती है या मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों को भी पार्टी चलाने की जिम्मेवारी दिए हैं, वह लोग अपने पसंद के, अपने पॉकेट के और उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद करने वाले लोग, नीतीश कुमार के समर्पित लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैंने ऐसा महसूस किया, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। अपमानित किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, तो मतलब यही कारण रहा इस्तीफे के पीछे का? मेन तो कारण यही है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कैसे राजनीति करेंगे। सम्मान के लिए, समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, अगर समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाए और उसके बाद भी बने रहे तो पेट भरने वाला बात हुआ, जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये बताइए कि इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुख्यमंत्री जी से कुछ बोला था, बात किया था कि उनको भी हमारी तरह शौक ही दे दिया आपने? मैंने बहुत पहले बात किया था, लेकिन उनसे बात करने के बाद फिर हम छोड़ नहीं पाए थे पार्टी, इसलिए मैंने इस बार बात नहीं किए। तो हो सकता है कि फोन आए उधर से। आएंगे तो बात करेंगे, मिलने जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत? आएगा तो बात करेंगे, मिलने जाइएगा। हो सकता है कि कह दें कि मैं तो कहां जा रहे हो, यही जगह है तुम्हारी, तब क्या कहिएगा? ना नहीं कर पाइएगा मैं तो जी। अब ऐसा कोई बात नहीं है? आप ऐसा कोई ना कर दीजिएगा, सोच समझ के कह रहे हैं आप, कह रहे हैं हम ना कर देंगे। नहीं नहीं, मैं आप बुलावा आएगा, आप मिलने जाएंगे, ना कर पाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं होगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका फेसबुक देख रही थी मैं तो जी, और मैं ये फेसबुक पोस्ट जो है वो सबको दिखाना भी चाहूंगी कि 22 घंटे पहले वो फेसबुक पोस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 22 घंटे पहले मैंने देखा कि उसमें आपने एक पोस्टर लगाया था और वहां पर साइन जेडीयू का था। ये रातों रात क्या हो गया आपको? रातों रात 22 घंटे पहले जेडीयू का प्रचार कर रहे हैं और 22 घंटे बाद मन बदल गया। कैसे ऐसे तब्दीली कैसे हो जाती है? कुछ बातें होती हैं रातों में, जो आदमी को तकलीफ दे जाए, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन रातों रात 22 घंटे पहले फेसबुक पोस्ट है हमारे पास, क्या हो गया ऐसा कि मन बदला? किसी का फोन आया रातों रात? फिर बात करेंगे आपसे, फिर बात करेंगे इस विषय में, ऐसे भी कोई बात नहीं है। हाँ, मन बदला, हमें लगा कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रति तो हमारा हमेशा से सम्मान रहा है, रहेगा, पिता तुल्य है हमारे, लेकिन पार्टी में हमने सोचा कि बने रहना उचित नहीं है, हमारी जरूरत नहीं। अच्छा, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि तकलीफ रामेश्वर महतो को किसने दी? किसने आपका दिल दुखा दिया भाई? सीतामढ़ी के आदरणीय सांसद रेचन ठाकुर जी लगातार, मेरा ही नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित वंचित समाज के लोगों लगातार अपमानित करने का काम करते, देवेश चंद्र ठाकुर लगातार। अच्छा, और कार्यकर्ताओं का कोई उनके यहाँ, जो खास करके हमारे वर्ग से आते हैं, उनका कोई वहाँ तर्जी नहीं है। हमें लगा कि जब इस प्रकार के व्यक्ति उस एरिया को लीड करते हैं और उनके अंदर रह के अपमानित महसूस करने से अच्छा है कि हम पार्टी से त्याग दें। अच्छा, पार्टी से त्याग पत्र दे दें। आपको मालूम है कि तिरहुत में MLC उपचुनाव भी होना है, तो अब किसका समर्थन कर रहे हैं आप? मैं क्षेत्र में जाऊंगा और जिन लोगों के बारे में अच्छा पता चलेगा उनका समर्थन। अभिषेक झा से अच्छे संबंध होंगे आपके? सबसे अच्छे संबंध है, किससे कोई लड़ाई नहीं। जी, तो आप किसका समर्थन, किसको आशीर्वाद देंगे आप? अब जाके पता चलेगा क्षेत्र में कौन कौन है। जाइएगा, तिरहुत जा रहे हैं? जाएंगे, कल से जाइएगा। लोगों का मन मिजाज टटोलिएगा। जी, अच्छा ये भी बताइए कि अब आगे क्या करने का सोच रहे हैं रामेश्वर महतो? देखिए, राजनीति में समाज सेवा के माध्यम से आए थे और समाज सेवा ही राजनीति का मेरा उद्देश्य था। समाज के बीच जाएंगे और समाज के बीच में विचार विमर्श करेंगे, जैसा फैसला होगा वैसा। अभी कुछ सोचा नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है। संपर्क तो लोगों ने किया होगा? संपर्क तो हमेशा लोगों से रहती है, लेकिन इस कहां का कॉल आया? बीजेपी वालों का कॉल आया कि किधर से कॉल आया? लोजपा वालों का कॉल आया? किसका कॉल? कहीं से कोई कॉल नहीं है। राजद वाले कॉल? कहीं से कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यानी कि फिर से एक बार PC कीजिएगा और ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिएगा। जी।
जी, जब मुझे कुछ पता लगेगा, कोई कॉल आएगा, सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, सबसे पहले हमको बताएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रामेश्वर महतो ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।